ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक एवं कई सांसद उनके संपर्क में हैं। ये सांसद पार्टी बदलना चाहते हैं, ये विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, शपथ लेना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा इनमें से कई तो हमारे संपर्क में है। ओम प्रकाश राजभर के इस दावे से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी अवाक है, समाजवादी पार्टी अवाक है, उसको पता नहीं है कि उसके कई विधायक कई एमपी भारतीय जनता पार्टी से संपर्क बनाए हुए हैं। एएनआई को एक इंटरव्यू दिया ओम प्रकाश राजभर ने, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई है, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में भी खेल होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है, समाजवादी पार्टी के कई सांसद कई विधायक हमारे खुद के संपर्क में हैं और उनमें से कुछ विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ सांसद अपना टिकट पक्का कराना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इंटरव्यू में क्या कहा है साथियों, आगे आप वो वीडियो में देखिए। देखिए महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए, यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहां भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। और का जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से नाराज है और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहां अब भविष्य नहीं है। इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया, बीजेपी के भी साथ हो गया, इसी लखनऊ में लाखों वोट देता है मुसलमान, बसपा के साथ हो गया, कांग्रेस के साथ हो गया, सपा के साथ हो गया, चार खेमे में बट गया। वो समय खत्म हो गया जब सत्ता रही समाजवादी पार्टी की, तब डिप्टी सीएम तक नहीं मुसलमान को बनाया। सीएम तो छोड़ दीजिए, 9% मुसलमान यादव, 18% मुसलमान, 4 बार सरकार बनाया, 1 बार मुख्यमंत्री बना दिए होते तब तो कहने लायक होते। किस मुंह से वोट मांगेंगे, खाली कि बीजेपी खा जाएगी, ली जाएगी और आप हमारे साथ चले आओ। उन्होंने विपक्ष को टूटने का कारण यह बताया है कि विपक्षी एकता में समाजवादी पार्टी की वजह से बहुजन समाज पार्टी को शामिल न करना, मायावती जी से बात न करना विपक्ष के टूटने का सबसे बड़ा कारण है। बिना मायावती जी के, बिना बहुजन समाज पार्टी के विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचेगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।